देखिए दोस्तों, मेरे सामने है केबी चाट, करोल बाग में और पूरी दिल्ली में। एक बार क्लोज हम इनका काउंटर दिखाएंगे, छोटा सा सेटअप है इनका। देखिए दोस्तों, केबी चाट के नाम से है। और ये देखिए दोस्तों, किसी कस्टमर के छोले कुलचे लग रहे हैं तो उसकी यहाँ पर जो कुलचे हैं उसकी प्रिपरेशन चल रही है। ये देखिए दोस्तों, चार तवे है, इससे पता लग रहा है कि इनकी जो मूंगलेट वगैरह है या छोले कुलचे, इनकी सेल कितनी तगड़ी है। बैक टू बैक ऑर्डर्स लग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, बटर कौन सा है दोस्त? अमूल है कौन सा? अमूल, अमूल, अमूल बटर है। देखिए दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का बटर यूज़ कर रहे हैं अमूल। देखिए दोस्तों, मूंगलेट के साथ साथ इनका एक काउंटर और है, और यहाँ पर छोले कुलचे का भी एक काउंटर है, इन्हीं का ही है, केबी चाट का। तो देखिए दोस्तों, पैकिंग हो रही है छोले कुलचे के, कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से इन्होंने काउंटर सेटअप करके तीनों, और अच्छी तरीके से पैकिंग कर रही है। हाइजीन का भी काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, और टेस्ट तो इनका काफ़ी लाजवाब है। और देखिए दोस्तों, वही है चटनी है हरी, और पुदीने और दही वाली चटनी है, और लाल चटनी है, और कंटेनर पैकिंग चल रही है बैक टू बैक। ये देखिए दोस्तों, इनका चाट का जो काउंटर है, आलू की चाट है। आलू को बॉइल्ड, आलू को काट के उसको, ये तेल भी है, रिफाइंड है, घी है, देसी, अच्छा डालडा घी। देखिए दोस्तों, हाँ वनस्पति घी में ये फ्राई कर रहे हैं, एकदम क्रिस्पी, एकदम ब्राउन लुक आ रहा है, और उसको मसाले के साथ सर्व करते हैं। टिक्की भी है इनके साथ, और शकरकंदी भी है। देखिए दोस्तों, अब इनका एक लास्ट काउंटर और है, जो कि फ्रूट चाट भी यहाँ पर बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये डाला इसमें, ये क्या डाला था? ये अमरूद है, ये अमरूद है, रेड डायमंड अमरूद है। देखो, रेड डायमंड अमरूद अच्छी क्वालिटी का। और ये देखिए केले, और ये देखिए पपीता, सेब, पाइनएप्पल, तरबूज। देखिए दोस्तों, शकरकंदी डाल रहे हैं, कचालू डालेगा, और देखिए दोस्तों इसमें कचालू। ये देखिए दोस्तों, खीरा भी आ रहा है फ्रूट चाट के अंदर। ये देखिए दोस्तों, क्रिस्पी बॉइल्ड आलू फ्राइड हुए हुए, और ये देखिए काला नमक, ये क्या चीज़ है? ये काला नमक है नहीं भैया, ये ग्लूकोस है, ये ग्लूकोस है। ग्लूकोस किस लिए भैया चाट में? चाट आ रहा है, ये मसाले हैं। ये देखिए दोस्तों, घर से लेते हैं मसाले या फिर बाजार में मिलते हैं या कुछ नहीं बनाते हैं? अच्छा सर, बाजार से लेते हैं, कोई सीक्रेट नहीं है दोस्तों। अब ये चटनी डाल रहे हैं, ये इमली का पल्प, इमली का पल्प है, ये देखिए फ्रूट चाट में डाल रहे हैं। अब इसको शेक करके अच्छी तरीके से मिला रहे हैं, ताकि सारे मसाले एक साथ मिल जाए। पैक हो रहा है, खाने के लिए भी कंटेनर में देते हैं, पैक करने के लिए भी देते हैं। कितना रेट है भैया इसका? 100 रुपये का। एक ही दाम है या और भी कोई? हाफ प्लेट 70 रुपये, हाफ प्लेट 70 रुपये का, और फुल प्लेट इसका 100 रुपये का। ठीक है, थैंक यू भैया।